प्यार से बुलाया शिवम लौटा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले पावर रेंजर सुपर मेगा फोर्स के ब्लू रेंजर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, पावर रेंजर सुपर मेगा फोर्स का जो ब्लू रेंजर, उसके पास सारे ब्लू रेंजर्स की पावर है। मतलब अभी तक आपने जितने भी पावर रेंजर्स देखे, उन सभी पावर रेंजर टीम में जितने भी ब्लू रेंजर्स हैं, सबकी ताकत इस ब्लू रेंजर के पास है। तो क्या ये शक्तिमान को हरा सकता है? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बोलता हूँ, शक्तिमान और ब्लू रेंजर का मुकाबला बहुत ही कड़ा होगा। ऐसा नहीं होगा कि शक्तिमान आया, ब्लू रेंजर को मारा और चला गया। ना 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 ना, इस बार मुकाबला थोड़ा लंबा टिकेगा। अब आप पूछोगे कितना लंबा? हाँ, यही एक दो घंटे बस। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों, क्योंकि ब्लू रेंजर के पास एडवांटेज है। उसके पास सारे ब्लू रेंजर्स की है, तो वो सारे ब्लू रेंजर्स को एक्सेस कर सकता है। मतलब किसी भी ब्लू रेंजर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन एक लिमिटेशन है, आपके पास कितना भी पावर हो, मतलब कि समझ लो एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर है जो कि बहुत ही कमाल का है। आपका फोन इतना पबजी खेल रहा है, लेकिन फोन में सारे यूज कर रहे हो, लेकिन फोन गायब तो होगा। तो उसी तरह मतलब जितना भी ये पावर ब्लू रेंजर, जितने भी ब्लू रेंजर का पावर यूज करेगा, लेकिन जो नॉर्मल जो ट्रांसफॉर्म होने वाला आदमी है, उसकी तो स्ट्रेंथ कम होगी, वो तो थकेगा ना, तो थकेगा। तो इसीलिए जब वो थकेगा तो शक्तिमान उसे हराएगा और जीत जाएगा, क्योंकि शक्तिमान का सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो बड़े ही आराम से ब्लू रेंजर को हरा देगा और जीत जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।